करहल में विद्युत चेकिंग अभियान में जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद मोहल्ले के स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया है। जहां एक तरफ विद्युत विभाग ने मोहल्ले के लोगों के विरुद्ध तहरीर देकर आरोप लगाया, वहीं मोहल्ले के लोगों ने सीओ करहल से मुलाकात कर अपनी फरियाद सुनाई है। करहल पुलिस ने दोनों पक्ष की तहरीर पर अपनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दरअसल करहल थाने पहुंचकर विद्युत विभाग के अभियंता अजय यादव, उपखंड अधिकारी सुखवीर सिंह, संविदाकर्मी सुनील, संविदाकर्मी दिनेश ने तहरीर देते हुए बताया कि जब चेकिंग के दौरान गांव पहुंचे तो वहां विद्युत चोरी हो रही थी। जैसे स्ट्रीट लाइट की केबल कटी, उपरोक्त दोनों राजकमल व अर्जुन द्वारा विद्युत टीम के साथ गाली गलौज के साथ हाथापाई करने लगे। यादव बंसी, ये प्राइवेट कर्मचारी है और ये हमसे दो तीन महीने पहले करीब 15,000 रुपया ले गया था लाइन और उसके मीटर बल्ब चेंज करने के। तुम्हारा ऐसा मीटर लगा देंगे कि उससे बिल, हाँ बिल बहुत कम आएगा। तो फिर हमने इससे पैसे मांगे, तो पैसे मांगे इसके साथ में 4-5 लड़के थे। फिर इसने अवैध दरवाजा से जासूचक गालियाँ दी। फिर आज ये हमारे घर पर आया, घर पर आके बदतमीजी करी इसने, उसी की दरखास्त देने आए हम।